तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो भाई मैंने केमती अच्छे पिले तो निश्चय बहुत बढ़िया से थी। तो देख पे तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट नंबर 3 वीडियो रे समस्त को वेलकम। तो आज वीडियो में देखा आम जो इलेक्ट्रोलाइट क्या कह जाए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या कह जाए, विषय में डिटेल्स बुझा है कहीं देख पे ये टॉपिक रे आम मैक्सिमम फोकस करा इलेक्ट्रोलाइट उपरे। तो इलेक्ट्रोलाइट जब बुझीगल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या कहुए, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या कहुए है, तो विषय पूरा डिटेल्स बुझी जाओ, बिट बाय बिट सब जिन बुझी जाओ, जहाँद्वारा कि सब कन्सेप्ट तुम इजिली बुझी पार है। तो या पूर्व मुझे अलरेडी दुटा वीडियो अपलोड कर सारी, तो पार्ट वन पार्ट टू तुम सब सिक्वेन्सीआली देख, जहाँद्वारा कि सब जिन तुम डिटेल्स आनालाइज कर पार, डिटेल्स बुझी पार, बुझिपार पे। तो देख पे तो शुण ता छड़ा मुझे समस्त कहबी आम गोटे स्पेशल केमिस्ट्री ग्रुप बनाऊँ 9040607886 है, यही नंबर में तुम कंटाक्ट कर, तुम केमिस्ट्री ग्रुप देदेवी, से ग्रुप लिंक देदेवी, तुम से ग्रुप आराम से जॉइन हो पार, बुझा पे, जहाँद्वारा कि तुम केमिस्ट्री से सबकि क्लासेस पाइव आ घर बस इजिली सब टॉपिक को कवर कर पार, बुझिपाल। चलो स्टूडेंट स्टार्ट करवा कौन कही देख पे इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर, तो क्या विषय में पढ़ु इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर क्या कह पे जी कौन कहे जो भी कौन जो सब्सटेंस है कौन कहते लिक्विड फॉर्म रे, कौन कहते लिक्विड फॉर्म रे थे करंट फ्लो करंट सप्लाई करे कि करंट फ्लो करे कहते इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर है। कौन कहे दीज आर द सब्सटेंस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट्स इन एक्वस सॉल्यूशन और इन फ्यू स्टेट, एक्वस सॉल्यूशन और इन फ्यू स्टेट और मोल्टन स्टेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, और लिक्विड कंडक्टर आपको लिक्विड कंडक्टर भी कहीपर कहीं एडी करंट फ्लो होची को स्टेट रे लिक्विड स्टेट रे, को स्टेट रे लिक्विड स्टेट रे, तो से लिक्विड कंडक्टर भी कहीपर। सॉलिड कंडक्टर क्या जाए मेटालिक कंडक्टर को सॉलिड कंडक्टर क्या कह जाए है, जमी आलुमिनियम रहा कॉपर रहा आयरन रहा गोल्ड रहा सिल्वर रहा युवा कौन कहुए मेटालिक कंडक्टर कि सॉलिड कंडक्टर कहीं सब को स्टेट रे अच्छे सॉलिड स्टेट रे अच्छे आईथे करंट फ्लो होदि सॉलिड स्टेट रे थी करंट फ्लो हुए मेटालिक कंडक्टर कहुए, आदि से लिक्विड स्टेट रे थी कि मोल्टन स्टेट कह कि इक्व स्टेट कह फ्यू स्टेट कह ह्वाट एवर जहाँ भी स्टेट कह ऑल ओवर क्या अंडर आसूँ तुम लिक्विड लिक्विड स्टेट आसूसी, तो से कौन कहुए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, कौन कहते इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। तो एग्जांपल एसिड हो पारे बेस हो पारे सॉल्ट हो पारे, दिस आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। क्लियर हो गलो कांसेप्ट क्लियर है। चलो आगु बढ़िया नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स है, क्या कहे पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स है, तो नॉन मेटल जितनी सब नॉन मेटल रहले ऑल द नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर्स है, ऑल द नॉन मेटल जितनी सब नॉन मेटल अच्छे सब से नॉन कंडक्टर है। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट आर द एक्सेप्शन है, तो कार्बन रे कौन बुझे पे कार्बन कौन कार्बन गोटे नॉन मेटल किंतु तार गोटे कौन जो कहते कौन ग्राफाइट रे कौन करंट फ्लो हुए, तो सेटा गोटे एक्सेप्शन बुझे पे केवल ग्राफाइट गोटे जिनस जो थे कौन करंट फ्लो हुए है। देर आर कॉल्ड इन्सुलेटर है, तो सल्फर रहा फॉस्फोरस रहा तो मैंने कौन सब इन्सुलेटर मैंने कौन पे तुम इन्सुलेटर कौन पे तुम दिज आर इन्सुलेटर कहीं करंट फ्लो हुए ना है। तो से कौन कही नॉन मेटल बुझीगल, तो ऑल द नॉन मेटल्स आर द नॉन कंडक्टर जितनी सब नॉन मेटल अच्छे सब कौन अच्छे नॉन मेटल सब कौन इन्सुलेटर से करंट फ्लो हुए ना करंट फ्लो हुए ना है, खाली कार्बन रो ग्राफाइट होता गोटे कौन एक्सेप्शन है करंट फ्लो हुए है। चलो इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या कह इलेक्ट्रोलाइट बुझे ये आम बुझीदल इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या विषय बुझल इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, बुझा इलेक्ट्रोलाइट है अलमोस्ट सेम ही है। आन इलेक्ट्रोलाइट इज ए सब्सटेंस है, तो शुण ये क्या कहुए ध्यान से बुझ है, आन इलेक्ट्रोलाइट इज ए सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस आयन एनहेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन डिजॉल्व और इन मोल्टन स्टेट है। कौन कही आन इलेक्ट्रोलाइट इज ए सब्सटेंस, तो इलेक्ट्रोलाइट गोटे एमती सब्सटेंस जे कि डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन, जी कि सॉल्यूशन में डिजॉल्व हेला परे आयन रे कन्वर्ट होची, जी कि सॉल्यूशन में डिजॉल्व हेला परे आयन रे कन्वर्ट होची, आ सही आयन पाई कोन होस तमर करंट फ्लो होची हला। तो कोन कहिचे एन इलेक्ट्रोलाइट इज ए सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन, जी कि सॉल्यूशन में डिजॉल्व होची एंड प्रोड्यूस आयन, आ कोन करूची आयन प्रोड्यूस करूची बुझपला, कोन करूची इलेक्ट्रोलाइट इज ए सब्सटेंस व्हिच डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, किछ भी सॉल्यूशन रे ताकू डिजॉल्व करूचो, डिजॉल्व हेला परे से आयन प्रोड्यूस करूची हला, हेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन डिजॉल्व और मोल्टन स्टेट है, से इलेक्ट्रिसिटी केत कंडक्ट करते डिजॉल्व स्टेट रे थी इक्वा स्टेट रे थी कि मोल्टन स्टेट रे थी है। एग्जांपल एनएओएच हो पारे है, तुम एचसीएल हो गला केसीएल हो गला आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो युवा क्या अंडर जाऊँ सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, युवा सब रही कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट, युवा सब कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट है।
तो इलेक्ट्रोलाइट भी पुणी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स रहा है, दुटा टाइप्स जनरली गोटे स्ट्रंग इलेक्ट्रोलाइट विक् इलेक्ट्रोलाइट है आम आगे डिस्कसन करवा है। तो ये फास्ट मुझे डिस्कसन कली क्या विषय इलेक्ट्रोलाइट विषय में। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन दिज आर द इलेक्ट्रोलाइट आर द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। से कौन गोटे सॉल्यूशन डिसॉल्व होला परे आयन प्रोड्यूस करे, कौन करे आयन प्रोड्यूस करे है से आयन्स पाई है। हेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन डिसॉल्व और मोल्टेन स्टेट जी कि डिसॉल्व किंवा एक्वस सॉल्यूशन स्टेट रे थाई कि किंवा लिक्विड स्टेट रे थाई कि करंट सप्लाय करंट फ्लो कराए है। यहाँ सब तार एग्जांपल यहाँ कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये तुम वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आगू पढ़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या कहुए वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या कहुए तार कैटेगोरीज तार डिफरेंशिएशन पढ़ा एवं खाली जानी था एग्जांपल है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो नार भी जना पड़ी नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन है जो थे करंट फ्लो हम ना है। दिज आर द सब्सटेंस व्हिच डू नॉट अलाउ टू करंट डू नॉट अलाउ टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू देयर एक्वस सॉल्यूशन है। जमी गोटे एक्जामपल नहीं बुझे तुम सुगर केन रहा यूरिया रहा बेंजिन रहा युवाक तुम्हें नहीं जब डिसॉल्व कर गोटे सॉल्यूशन रे है कौन कर डिसॉल्व कर गोटे सॉल्यूशन रे तो डिसॉल्व है करंट फ्लो से हम ना तुम्हें जब कौन कर पानी में चीनी पकई दौ तो चीनी में करंट फ्लो हे ना कि जब पानी में लुण पकई दौ तो करंट फ्लो हम तो दैट मीन लुण कौन कर लुण कौन एनसीएल रहा जोटा नॉर्मल सॉल्ट बोली कहो से कौन हो पानी में डिसॉल्व होगा आयन फॉर्मेशन कर आयन फॉर्मेशन होगा से कौन करंट फ्लो कर बुझा से आम क्या अंडर रखुचु इलेक्ट्रोलाइट अंडर अंडर में। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन दिज आर द सब्सटेंस व्हिच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट है से थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हम ना थ्रू देयर एक्वस सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन में करंट फ्लो हे ना जमी तुमको एग्जांपल देली सॉल्ट वाटर आउ रहा तुम कौन रहा कौन जो कह तुम सुगर वाटर जदि तुम गोटे ग्लास रे पानी नहीं चाहो आ कौन कर चीनी पकईच है कौन कर चीनी पकईच तो से करंट सप्लाई कर करंट सप्लाई हेनी ये मुझे जो पानी कथ कौन मुझे डिस्टिल्ड वाटर कथ कौन तुम घर पा कथ कौन है कहीं घर पाने एमती भी कौन अच्छे तुम मिनराल्स अच्छे करंट सप्लाई होगा मुझे कौन कौन नर्माल डिस्टिल्ड वाटर नेल कौन नेल डिस्टिल्ड वाटर नेल है दुटा कंटेनर नेल कौन नेल बोले दुटा कंटेनर नेल है एमती सिंपल दुटा कंटेनर नेल है ये कौन ने तुम डिस्टिल्ड वाटर नेल ये भी तुम कौन नेल डिस्टिल्ड वाटर नेल है। एबे एड़ी जदि मु कोन करनी एनसीएल नेली कोन नेली एनसीएल नेली आउ एड़ी कोन नेली तमरा बेंजिन नेली किबा यूरिया कोन नेली बेंजिन और यूरिया नेली एड़ी पकेली हला। एबे हला परे देखो हला एबे यूरिया गुटे कोन होछ तमरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट एबे एई सॉल्यूशन रो ए जो सॉल्यूशन टा कोन तयारी हला एथरो करंट सप्लाई हेबो नाही एडु करंट सप्लाई हेबो नाही किंतु एड़ी जो सॉल्यूशन टा तयारी हला हला जो वाटर रे कोन कली मु एनसीएल पकेली तापर कोन होला जो सॉल्यूशन टा तयार हला सेतिर करंट फ्लो हबो तो ताको हमें कोन कहया पले इलेक्ट्रोलाइट ताको कोन कहया पले इलेक्ट्रोलाइट। तो सिंपल सादा कथा जो सब्सटेंस कोन करछि पले हला जो सब्सटेंस कोन करछि सॉल्यूशन स्टेट रे कोन करछि सॉल्यूशन स्टेट रे करंट सप्लाई करूछि ताको हमें कोन कहबा इलेक्ट्रोलाइट। जनरली कोन रहला NaOH HCl KCl जति सब सॉल्ट रहला बेस रहला एसिड रहा है सब कौन इलेक्ट्रोलाइट अंडर में जाती आ जो सब्सटेंस गुड़ा डिसॉल्व है कि एक्वस सॉल्यूशन रे मध्य करंट सप्लाई करती ना ताको कौन कह जाए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सुगर केन रहा यूरिया रहा बेंजिन रहा एगुडा तार बेस्ट एग्जांपल बुझिपार है। एबे सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलाइट रो किछि किछि कैरेक्टरिस्टिक्स छै ता विषय बुझिबा है बुझिपार बोले तो ये तुम आराम से बुझी जाइथिबो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर क्या कह जाए इलेक्ट्रोलाइट क्या कह जाए नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या कह जाए डिटेल्स में बुझेली है शुण कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइट आम क्या कहवा है जे कौन कर करंट फ्लो कर कौ स्टेट में एक्वस सॉल्यूशन कि लिक्विड फॉर्म में थी करंट फ्लो करी सॉलिड स्टेट रही करंट फ्लो कर ना आगे बढ़िया दे आर केमिकाली डिकम्पोज से केमिकाली कौन होती ब्रेक हो जाती कौन केमिकाली डिकम्पोज मतलब जो एन ए सी एल अच्छी एन ए प्लस आउ सी एल माइनस हो जाए कौन हो जाए पे एन ए प्लस एन ए सी एल टा कौन हो जाए एन ए प्लस आउ सी एल माइनस है तो आयन रे फॉर्मेशन हो जाए है तो केमिकाली डिकम्पोज हो जाए भांगी जाए दे फॉर्म आयोनिक सल्यूशन व्वेन डिजल्व इन द सल्भेन्ट है दे फॉर्म कौन कहे आयोनिक सल्यूशन मतलब एबे एनएसएल को वाटर में पकेल तो से कौन हो जाए एन ए प्लस सी एल माइनस हो जाए तो आयन रे फॉर्मेशन हो जाए दैट इज कॉल्ड आयोनिक सॉल्यूशन बुझिपार द पॉजिटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन पॉजिटिव चार्ज आयन को कैटायन कहते मन रखी था बोले है आगे दरकार पड़ो आउ नेगेटिवली चार्ज आयन को आनायन कह जाए बुझिपार तो पॉजिटिवली जे चार्ज अच्छे आयन अच्छी कौन कहे कैटायन मन के रख प्लस देला कैटायन कौन पे तुम कैटायन है तो कैटायन मतलब पॉजिटिव है
आउ नेगेटिवली चार्ज आयन को कौन कहते आनायन है तो काट आयन पॉजिटिव काट आयन तो पॉजिटिव आउ आनायन हूँ नेगेटिव है आई होप स्टूडेंट तुम आराम से बुझी पार तुम डिटेल्स सब जिन बिट बाय बिट कॉन्सेप्ट तुमको सिक्वेंशियली बुझाऊँ आउ ईच टर्म को तुमको एम्फासीस दूँ जहाँद्वारा कि तुम कॉन्सेप्ट पूरा पूरा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जहाँद्वारा किसी असुविधा हेनी है तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे डिटेल्स बुझ जहाँद्वारा कि तुम आउ केमिस्ट्री पर टेंशन रही बुझ पाला पे तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।